गुड मॉर्निंग एमी। उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल जाना है ना? छुट्टी है। छुट्टी है? क्यों छुट्टी है? टुडे इज फ्राइडे। चलो क्विकली गेट अप। नो, वी विल बी लेट। सेकेंड डे, आज भी खाना बाहर से जा रहा है। आपको पता है कि किचन हमारी अभी भी उखड़ी हुई है, तो 2 दिन से हमारा जो खाना आ रहा है वो आ रहा है फूड टाइम से। ये एक रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी इंडियन कुजीन है यहाँ पर। ये रेस्टोरेंट मुझे सजेस्ट किया था जो हमारे घर पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करने आया था ना, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये एक रेस्टोरेंट है आपके घर के पास और बहुत अच्छा खाना है इसका। तो कल मैं यहाँ से लेकर गया था बिरयानी एंड चिकन कढ़ाई, इट वॉज़ ऑसम। आज मैं कुछ नया ऑर्डर कर रहा हूँ। आज मैंने ऑर्डर किया है इनसे, वेज में मैंने लिया है इनसे दाल ली है एंड करी पकौड़ा लिया है एंड चिकन कौरमा लिया है। ये जो खाना आप जैसे ऑर्डर करते हैं कोई, तो आप उसी टाइम बनाते हैं पहले बना होता है? नहीं, उसी टाइम उसी टाइम बनाते हैं, वेट करा लेते हैं, बंदे को खाना फ्रेश देते हैं। हे गाइस, हैप्पी फ्राइडे। तो फ्राइडे है, ऑफिस खत्म हो गया है आज। लकीली घर से ही काम किया था और अब फ्राइडे को हम जा रहे हैं आईब्रोज कराने के लिए। मम्मी भी, मैं भी। ये देखो, एमी ने भी जैकेट पहनी हुई है, मैंने स्वेटर पहनी हुई है। ये स्वेटर मेरी मम्मा ने बनाई थी और मम्मा ने भी स्वेटर पहनी हुई है। तो आज ऑफिशियली वो दिन हो गया है जब घर के सारे बंदे जैकेट पहनकर स्वेटर पहनकर बाहर निकल रहे हैं। मम्मी ने पहली बार स्वेटर पहनी है। मैं तो मतलब स्वेट शर्ट तो काफी दिनों से पहन ही रही हूँ, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब आप 6-7 बजे घर से बाहर निकल रहे हो ना, तो स्वेटर या फिर जैकेट या फिर हल्का स्वेट शर्ट पहनकर नहीं जा रहे तो फिर ठंड लगती है, अच्छा नहीं लगता। तो अब समर खत्म हो गई है और अब हम जा रहे हैं आईब्रोज कराने, मेरा और काजल भी लेने के लिए। मेरा काजल नहीं मिला तो मैंने अभी भी आईलाइनर लगाया हुआ है, और जब आईब्रोज कराने लगूंगे तो इसके ऊपर हाथ जाएगा तो फिर पूरी आंखें काली हो जाएंगी। घर का काम नहीं चल रहा था ना, फ्री फ्री लग रहा है कि भाई चलो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले तो सैलून जाकर आईब्रोज करा कर आते हैं। एमी, आपने भी आईब्रोज करानी है? नहीं। फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, नेल्स तो नहीं कराऊंगी, आज टाइम नहीं है नेल्स कराने का। ताकि ब्रेव हो जाए। तेरे को बड़ा पता, तूने करा रखी है कभी? हाँ जी, कोविड टेस्ट किया। तो कोविड टेस्ट जैसी होती है वैक्सिंग? इट डोंट वेरी हार्ड, इट्स जस्ट यू डोंट इवन नो दैट इट इज लाइक। तो आईब्रोज डन हो गई है, विडवी में पहली बार कराई है हमने। ब्रैम्पटन के मुकाबले बड़ा महंगा लगा भाई। ब्रैम्पटन में मैं अपर लिप्स और आईब्रोज दोनों मिलाकर $9 या $10 मैक्सिमम पे करके आती थी। मैंने पहले जब ब्रैम्पटन में कराई है तो वीडियो में आपको बताया भी था। आज इन्होंने $9 लिए वैक्सिंग मतलब आईब्रोज के और $6 लिए अपर लिप्स के, तो $15 मतलब $6 महंगा पड़ा है पर पर्सन ये ब्रैम्पटन से। लेकिन मम्मी ने आज वैक्सिंग आईब्रोज पे पहली बार कराई है। मम्मी ने हमेशा थ्रेड कराया ना मम्मी, बट वैक्सिंग अच्छी लगी आपको आईब्रोज पे? तो चाहिए गया है ना, पर दर्द नहीं होता ना, मेरा आईब्रो से वो थ्रेड से दर्द होता रहता है। तो भाई मैंने एक बार कराई थी आईब्रो वैक्सिंग और उस टाइम मैं डर रही थी, तो मुझे बंदी ने बोला कि एक बार आईब्रो वैक्सिंग करा कर देखो, आप कभी थ्रेड दोबारा नहीं कराओगे। एंड शी वाज ट्रू, मैंने एक बार आईब्रो वैक्सिंग कराई है, उसके बाद मैंने थ्रेड कभी भी नहीं कराया। और आज मम्मी को भी मैंने आदत डलवा दी है, मम्मी मेरे ख्याल से हमेशा वैक्सिंग ही कराएंगे। एमा, आपको पता है पम्पकिन आ गए थैंक्सगिविंग के लिए? थैंक्सगिविंग के लिए पम्पकिन आते हैं? या तो ये फॉल डेकोरेशन आ गई है भाई। ऑफिशियली डिक्लेयर करती हूँ कि समर्स आर ओवर, अब बस फॉल के मजे लो। ठीक है, फॉल भी बहुत ब्यूटीफुल सीजन है कनाडा का। यस, पम्पकिन्स। मम्मा मेरे को पीच दे दो। आप खाते ही नहीं हो? खाती हूँ। बट चेक तो करो, तो पहले दादी से चेक करवाओ कौन सा पीज अच्छा है, वही वाला लो, कोई भी नहीं लेना है इसे। और एप्पल भी भाई बहुत सस्ते मिल रहे हैं, $1.27 पर पाउंड, तो ये भी उठा लेते हैं। वैसे घर में पड़े हुए हैं बट इतनी सस्ती चीज देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। तो अब हम विडवी के वॉलमार्ट पे सौंफ ढूंढ रहे हैं। और मम्मी मैगी, जिस दिन से हम इस घर में आए ना उस दिन से हमारी मैगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। उस घर से बड़ी सारी मैगी लेकर आए थे और यहाँ शिफ्टिंग में हमारी मैगी गायब हो गई है, मैगी नहीं मिल रही। तो आज मैगी का डिनर करेंगे भाई। कितने पैकेट ले मम्मी? आज के लिए लेने हैं। नहीं, आगे के लिए भी लेने हैं, कभी मन कर जाता है। दादी को बोल दे तो मेरे को
चलो ठीक है, ये लो भाई हो गया मैगी का काम। अब सौंफ ढूंढने और इलायची ढूंढनी है, देखते हैं विडबी वाले वॉलमार्ट पे मिलते हैं कि नहीं मिलते। भाई लज्जत पापड़ तो मिल गए हैं हमारे को यहाँ पे, अब दिल धक कर रहा है ये देखने। ओ वो भी मिल रही है, ये देखो साग भी मिल रहा है यहाँ पे, देख रहे हो वहाँ पे सरसों का साग। लो अभी सरसों का साग देख लो, खाना है तो। भाई सोया चाप भी मिल रही है यहाँ पे, सोया चाप सरसों का साग जो ब्रैम्पटन के इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मिलता था ना, वो तो यहाँ पे मिल रहा है। अब बस जीरा ढूंढना है, नहीं जीरा नहीं, इलायची और सौंफ ढूंढने हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इतने सारे पड़े हुए, ये सारे वही ब्रांड्स हैं जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मिलते थे। भाई मिल गई इलायची तो मिल गई, ढूंढने की बात होती है, ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है। इलायची मिल गई है, सौंफ देख लिया, सौंफ नहीं मिले अभी। तो भाई सौंफ थे यहाँ पे लिखा हुआ है ये फेनल, लेकिन खत्म हो गए हैं। तो हम वॉलमार्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी किस्मत को कर सकते हैं कि खत्म हो गए हमारे पहुंचने से पहले। मम्मी तो सोच रहे क्या पता कहीं अंदर झांके का था पैकेट पड़ा हो। मम्मा अब मेरा बटर ले लो क्योंकि हमको कपकेक्स बनाना है ना। तेरा बटर लूं? चल एमी का बटर ढूंढते हैं। तो हम सिर्फ बटर लेने आए थे कपकेक्स बनाने के लिए, तो बटर लास्ट को उठा लिया, तो अब चल रहे हैं वापस। बाकी ये सारा सामान उठाया हमने सिर्फ, शुक्र है। ये बोलते याद आ गया, ये काजल भी लेने आए थे, वरना काजल आज भी रह जाता। तो अब काजल लेते हैं भाई, ताकि मेरी कंप्लेंट दूर हो। चलते चलते अब सर्दियाँ आ रही है, तो ऐसी सॉफ्ट वाली चप्पल भी ले लेते हैं। अमित के लिए भी ले लें, सबके लिए ले लेते हैं फिर तो भाई। क्या बना रही हो आज? वीकेंड स्पेशल बन रही है मैगी, लेकर आए हैं आज ही वॉलमार्ट से, और बड़े दिन हो गए, बड़ा मन था मैगी खाने का, तो आज मैगी बना रहे हैं और साथ में बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। और क्योंकि आज मेरे हम सफ़र जो पाकिस्तानी ड्रामा हम लोग सारे फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अमित जो कहते हैं क्या है तुम ये ड्रामे देखते रहते हो, वो भी एक्साइटेड है। हम लोग मैगी लेंगे, कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास लेंगे, और मेरे हम सफ़र का सेकेंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। अगले थर्सडे को वो मेरे हम सफ़र सीरियल ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सोचूंगी अब नया कौन सा शुरू करूं। मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मुझे याद नहीं है कि बीच में क्या हुआ था। शट अप यार, रहने दो रहने दो, ज्यादा बनो मत। सीरियसली मैंने देखा भी नहीं था। मैं मम्मी मम्मी तो ऐसे फैन हुए पड़े, वो जो यूट्यूब के ऊपर वो नहीं आते लोग स्टोरी शेयर करते रहते हैं, वो सारी फेक वेबसाइट होती है कि वो अपना अपना कोई पर्सनल चैनल पे ना कि अब सीरियल में ये होने वाला है, हाला ने ये कर दिया वो कर दिया, उसको ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो जो पूरी कहानियां इतनी बता रहे हैं जितना तो कुछ होता भी नहीं है सीरियल में। मसाला डालते हैं वो, मसाला मम्मा सारा भी वो चला चला के देखते रहते हैं कि कुछ तो पता चले अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। एक तो पाकिस्तानी सीरियल और वेट बड़ा लंबा कराते हैं। इंडियन सीरियल में क्या होता है, हमारे 700-800 एपिसोड के तो सीरियल होते हैं, हफ्ते में 6 दिन आते हैं। 700-800 कल मम्मा देख रहे थे एक इंडियन सीरियल अनुपमा, स्टार्ट किया मैंने, 1600 कुछ वो एपिसोड था। मतलब 1600 कुछ, मतलब हद होती है, बच्चे बड़े हो जाएं। अरे यही हुआ था पता है, मेरी दादी माँ जो थे वो उनका ना फेवरेट सीरियल था बालिका वधू। बालिका वधू आपको याद है? मुझे देख ले, बालिका वधू उनका फेवरेट सीरियल था। तो मुझे पता है वो महम में जॉब करते थे, तो जब वो जॉब करते थे तब देखते थे, फिर रिटायर होकर वो हमारे पास हिसार आ गई वो तब देखते थे। और ना मतलब मेरी दादी माँ को कभी वो हॉस्पिटल जाते थे ना, तो उनको ये लगता था कि हाय मेरा आज का एपिसोड रह गया, मेरा आज का एपिसोड रह गया। दादी माँ की डेथ होगी, वो बालिका वधू चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा। और मम्मी कह रहे अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है बालिका वधू। और जब मैं दादी माँ के जाने के बाद जब वो कभी सीरियल की हम तो देखते नहीं थे, तो कभी ऐड आती थी ना बालिका वधू की, तो मैं कहती थी हाय मेरी दादी सोचती होगी एक और एपिसोड निकल गया मैंने देखा नहीं। और यू नेवर नो कि देख भी रहे ऊपर से बालिका वधू, कितनी क्रेजी थी मेरी दादी माँ बालिका वधू सीरियल के पीछे। और वो जो सास भी कभी बहू थी, कितने 7 साल चला, मतलब वो बच्चा एक बच्चा जो पैदा हुआ होगा उस दिन, जिस दिन सास भी कभी लॉन्च हुआ था वो 7 साल का हो गया होगा बच्चा, लेकिन ये चल ही रहा था चले आ रहा था सास भी कभी बहू थी। बट पाकिस्तानी सीरियल ऐसे नहीं है, वो 30-40 मैक्सिमम 50-60 एपिसोड में खत्म हो जाते हैं। तो मेरे हम सफर अगले हफ्ते खत्म होएगा, सुपर एक्साइटेड कि एंड होएगा, एक और पाकिस्तानी सीरियल देख लिया मैंने, फिनिश कर लिया। चलो भाई कोल्ड कॉफी बनाती हूँ, मैगी बनी है। और मेरी किचन का जुगाड़ देख रहे हो, पूरी किचन रिप्ड ऑफ है, और जो किचन बनाने वाले हैं उन्होंने बोला कि 3 अक्टूबर को आके वो किचन लगाएंगे, और किचन लगाने के बाद कैबिनेट्स लगाने के बाद मतलब, तो कैबिनेट्स लगाने के बाद जो उसके ऊपर काउंटर टॉप रखा जाना है, वो बंदा कह रहा है किचन लगाने के बाद तो मैं नाप लेने आऊँगा, बिकॉज आपकी जो नई किचन बनी होगी उसके हिसाब से नाप होगा। उसके 4 दिन के बाद आके मैं काउंटर टॉप लगा के जाऊंगा, मतलब मान के चलो 10 अक्टूबर तक जाकर मेरी किचन रेडी होगी। और आज हम लोग सिर्फ 15-16 सितंबर पे हैं, क्या तारीख है, 15 की 16 है ऐसे ही कुछ है 16 है,
और आज सिर्फ 16 सितंबर है, तो हम लोग एक्चुअली में 25 दिन की बात कर रहे हैं। हम दुखी हो चुके हैं, दुखी है। मम्मी कह रहे महीना लगा लो, बाप से महीना ही लगा लो, और जुगाड़ है वो क्या कर घर में। ये हमारा काउंटर टॉप है, फुल फूल टेबल को किचन में यही बना रखा है भाई, रोटी वोटी बेलने के लिए, इन सब के लिए। ये फिर भी ठीक है, काउंटर टॉप में तो मिस नहीं करें। सबसे बड़ी चीज़ जो किचन में मिस होती है ना, वो है सिंक। सिंक नहीं है, बर्तन धोने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाना पड़ता है। अगर एक टमाटर भी धोना हो ना तो लॉन्ड्री रूम में जाना पड़ता है भैया। ये बड़ी आफत हुई पड़ी है, बड़ी आफत हुई पड़ी है। और प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले हो भी नहीं सकता, पत्थर लगेगा उसके बाद ही सिंक लगेगा। मतलब कैबिनेट्स लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यार हमारे को सिंक आ जाएगी। आई एम नॉट मिसिंग कैबिनेट्स, आई एम मिसिंग माई सिंक। मतलब इतना आलस हो रहा है इस किचन में काम करने का कि दिन में तो हम लोग खाना बनाते ही नहीं, बाहर से ही ले आते हैं कि यार एक बार के बर्तन तो बचेंगे, एक बार तो खाना बनाना बचेगा। रात को भी कल डोसा खाने चले गए थे, आज मैगी बना रहे हैं। मतलब हम ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि बर्तन कम से कम करें, किचन में कम से कम खड़े हुए। और एक महीना ये चलेगा तो हम इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, मैं ऐसे खा खा के बाहर। फॉरेस्ट में येलो कलर भी होता है? हाँ जी। अच्छा। I'm gonna give this to one of my subscribers. Vinod Chitchatit, Shilpa's subscribers, Chitchatit, Amy's subscribers. Kids are better than grown-ups. ये तो चालू बात है, मेरे चैनल पे अपने ही चैनल का प्रमोशन कर रही है। ये हमारा रोबोट काम पे लग गया है। कल आना गुड्डू रवीश ने, तो मैं पूल को क्लीन कर रहा हूँ और अभी हीटर भी चलाना है। सी द डिफरेंस, जो बाकी सरफेस है उसका कलर देखो और ये जो अभी रोबोट ने क्लीन किया उसका सरफेस देखो। 2-3 दिन यहाँ पर बहुत बारिश हुई है तो उसकी वजह से ना सारा पूल गंदा हो गया था। हम यूज़ भी नहीं कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इस वीकेंड में मौसम थोड़ा अच्छा है, मतलब आई थिंक इस सीजन का लास्ट टाइम होगा जब हम पूल को एंजॉय कर सकते हैं। हे गाइस, कल हमने एमी के चैनल पे एक और वीडियो डाला है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? उसमें मैंने ना कुछ देर के लिए कमेंट्स ऑन कर दिए थे क्योंकि अगर आप ये सिलेक्ट करते हो इट्स मेड फॉर किड्स तो फिर कमेंट्स आप कर नहीं सकते। और मेरे को बड़े सारे लोगों ने मेरे चैनल पे आकर बोला कि हम एमी की वीडियो पे कमेंट नहीं कर पाए जबकि हम करना चाहते थे, तो मैंने उसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करके पोस्ट कर दिया और आप लोग सब कमेंट कर पाए थे। तो मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े, एमी को भी पढ़ाए, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर मेरे को अमित ने और गुड्डू ने और एक दो लोगों ने और सजेस्ट किया कि नहीं ये बच्चों की वीडियो है तो इसको यस इट्स मेड फॉर किड्स ही रखो ताकि बाकी बच्चे जो शायद सब्सक्राइबर्स नहीं है उन तक भी वो वीडियो पहुंच सके, वरना वो यूट्यूब किड्स पे दिखाई ही नहीं जाती वीडियो अगर आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करते हो तो। तो मैंने फिर से उसको यही कर दिया, यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो आप फिर से कमेंट्स नहीं कर पाओगे अगर आप वो वीडियो देखोगे तो, लेकिन मेरे चैनल पे अगर आप कमेंट्स कर सकते हो ठीक है। तो ये मेरे को बताना था आपको कि एमी का नया वीडियो आ गया उसके चैनल पे, प्लीज यार जाकर उसको देखो, लाइक करो, कमेंट नहीं कर सकते, लाइक तो कर ही सकते हो। चलो आज पता है मैं रोते रोते गई और मेरा दिल टूट रहा है। मतलब मैं बाकी जो चैनल पे मदर्स और फादर्स है ना उनसे पूछ रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप कई बार बच्चे को गुस्सा कर देते हो या डांट देते हो या फिर कुछ ऐसा कह देते हो कि उनका दिल हर्ट हो जाता है और फिर वो बड़ा क्राई करते हुए सो जाते हैं, और जब वो सो जाते हैं ना ऐसे उसके बाद जब तक वो अगले दिन सुबह तक उठते नहीं है आपका दिल यू 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 करता रहता है कि यार क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसे बोला। और एमी पता है बहुत सेंसिटिव है, वो उसको चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती है। अब मैंने बात क्या हुई थी मैं बताती हूँ, अपने वीडियो में देखा ही होगा, वो पेंटिंग बना रही थी तो पेंटिंग पूरी करके उसने ये बनाया और मेरे को लगा कि शी कुड डू मच बेटर देन दिस विद द पेंट एंड द कलर्स शी वॉज यूजिंग और जिस माइंड सेट के साथ वो पेंटिंग बनाना शुरू हुई थी। तो मैंने बोला एमी दिस इज अ वेरी बैड पेंटिंग, इट्स नॉट लुकिंग गुड। मुझे लगा शी कैन डू मच बेटर विद द पेंट एंड द कलर्स शी इज यूजिंग और जो आइडिया उसका था और जिसके साथ वो पेंटिंग बनाना शुरू करी थी, और मेरे को ये कुछ बहुत अच्छी नहीं लगी। तो मैंने एमी को बोला एमी ये क्या पेंटिंग बनाई है, बस मैंने इतना ही बोला। मैंने एमी को बोला यू कुड डू मच बेटर, पता है आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग बट ऐसा है नहीं बेटा, यू शुड फील लाइक आपको लर्न भी करना चाहिए कुछ, हमेशा इस ईयर में मत रहोगे यू नो एवरीथिंग। तो उस टाइम तो वो चुप हुई और ऊपर जाकर बस रोने लग गई, बहुत जोर जोर से रोने लग गई। तो मुझे नीचे उसकी आवाज आई, फिर मैं ऊपर गई तो मैंने कहा नहीं क्या हुआ, कहती मम्मा यू आर नॉट नाइस, यू नो व्हाट, इवन इफ यू डू नॉट लाइक समबडीज थिंग्स यू शुड स्टिल से दैट इट्स फाइन, इट्स लुकिंग गुड, इट्स रूड दैट यू से दैट माय पेंटिंग्स आर नॉट गुड।
तो कहती है मम्मा इन माई क्लास इफ एनीबडी मेक्स एनी आर्ट आई नेवर से योर आर्ट इज नॉट गुड आई ऑलवेज से इवन इफ आई डोंट लाइक इट आई ऑलवेज से वाओ यू हैव मेड अ वंडरफुल आर्ट बिकॉज आई एम अ नाइस गर्ल मम्मा बट यू आर नॉट अ नाइस गर्ल एंड इफ लाइक एवर बट दैट्स रॉन्ग राइट इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू शुड से आई डोंट लाइक इट बट दैट्स कनेडियन वे ऑफ लिविंग पता है कनेडियंस आर सुपर 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 पोलाइट दैट्स व्हाट कनेडियंस आर फेमस फॉर कि कनेडियंस बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हैं बहुत ज्यादा पोलाइट है बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं कि अरे आपको कोई बात बुरी तो नहीं लग गई जैसे कि कनेडियंस थ्री मैजिकल वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लीज सॉरी एंड थैंक यू तो आई एम नॉट एज पोलाइट इफ एनी कनेडियन कुड बी और एमी तो भाई अब कनेडियन स्कूल में जाकर कनेडियन ही बन रही है तो शी फाउंड हर मदर वेरी रूड मेरे को भी कनेडियन बनने में लगता है बहुत साल लग जाएंगे एनीवेज अब मेरे को जब से वो रोना शुरू हुई है ना रो रोकर ऊपर सोई है तो तब से मुझे पेंटिंग अच्छी लगने लग गई है चलो अब शाउटआउट्स की बात करते हैं बर्थडे की बात करते हैं तो आज है जोसेफिन जी का बर्थडे उनके बेटे ने शायद मुझे मैसेज किया कि मेरी मम्मा का बर्थडे है और वो एमी की भी बहुत बड़ी फैन है प्लीज आप उनका बर्थडे विश करना तो 100% मैं बर्थडे विश करूंगी विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे जोसेफिन जी मे यू गेट ऑल द ब्लेसिंग्स इन द वर्ल्ड आपकी उम्र बहुत लंबी हो आप स्वस्थ रहें विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम चिटचैट फैमिली सिर्फ मेरी तरफ से नहीं तो अब मैं जब भी बर्थडे विश करूंगी मैं पूरी चिटचैट फैमिली की तरफ से जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो भी मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं और अब जब हम एक चिटचैट फैमिली हो ही गए हैं तो जिसका भी बर्थडे होगा हमारी चिटचैट फैमिली में से तो मैं तो आपको बताऊंगी तो बाकी लोग भी अगर कॉमेंट सेक्शन में उनको बर्थडे विश करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं दैट वे वी ऑल विल बी अ ग्लोबल बिग चिटचैट फैमिली हाउस आइडिया चलिए आयशन ने मुझे एक कॉमेंट किया है कि शिल्पा मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप ना एक अपने घर पे एक प्रॉप सेट कर लो या एक बूथ सेट कर लो बर्थडे का क्योंकि आजकल तो आप रोज ही बर्थडे विश करते हो तो ऐसे बर्थडे विश किया करो और चिटचैट फैमिली की तरफ से या अपने चैनल की तरफ से विश किया करो ताकि अगर वो लोग वीडियो क्रॉप करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाना चाहें व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहें दे कैन डू इट तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया आयशन आई रियली रियली लव्ड इट घर की रेनोवेशन खत्म हो जाए एक बार मेरा घर फिट हो जाए तो ये भी कर सकते हैं एक सुंदर सा कोई कॉर्नर बना सकती हूँ बर्थडे डिपो या बर्थडे कॉर्नर और वो बर्थडे कैप पहन कर आ सकती हूँ और हम सारे हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं जिनका ही बर्थडे है आई एम एक्चुअली लविंग हाउ क्रिएटिव वी ऑल हैव बिकमिंग एंड वी आर द ट्रेंड सेटर्स ओके यू आर द ट्रेंड सेटर्स तो अब बर्थडे के अलावा आज के तीन स्पेशल लोगों की बात करते हैं तो आज के मेरे तीन स्पेशल लोग हैं बिस्मा जेनत जी वो रेड जोन में चल रही है कल से रेड जोन मतलब एंग्री जोन अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो देख कर आपको पता चलेगा हम किस जोन की बात कर रहे हैं तो मैंने बिस्मा जेनत जी को कमेंट में लिखा था कि मैं आपको ग्रीन जोन में लेकर आऊंगी तो बिस्मा आई होप आप ग्रीन जोन में आ गई हैं और इसके अलावा वराना पटेल एंड अंजलि प्रकाश पाटिल आई लव यू ऑल तो स्टे ट्यून्ड कीप कमेंटिंग और अपने प्रेजेंट लगाना मत भूलना भी कमेंट सेक्शन में ओके तो मैं आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखिए बाय